हेलो नमस्कार, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आपका मेरे चैनल ममता फ्लेवर में। तो आज की वीडियो में हम बनाने वाले हैं चिली पटेटो। चिली पटेटो खाने में बहुत टेस्टी लगते हैं। हम इसे ज़्यादातर बाहर से ही मंगा के खाते हैं या कभी बाहर जाके खा लेते हैं, लेकिन आप इन्हें घर में भी बहुत आसानी से बना सकती हैं, वो भी घर के ही सामान से। इन्हें बनाना बहुत आसान है। ये बिल्कुल बाजार के जैसा टेस्ट आएगा घर पर अगर आप बनाएंगी इस तरीके से। ये बच्चों को खाने में बहुत अच्छे लगते हैं तो वो बाहर जाके इन्हें खा लेते हैं, लेकिन अगर आप घर पे ही उन्हें ये बना के दे तो अच्छा रहेगा। तो मैंने सोचा क्यों ना मैं रेसिपी आप लोगों के साथ शेयर कर लूँ। अगर आप मेरे चैनल पे पहली बार आए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन प्रेस कर लीजिए। देखिए, मैंने आलू ले लिए 7-8, छील कर धो लिया है, पानी में भिगा लिया था थोड़ी देर। अब इन्हें ऐसे साइड से काट लेंगे थोड़ा सा। देखिए, अब हम इन्हें ऐसे काटेंगे ताकि हमारी चिली पटेटो की शेप बहुत अच्छी आएगी हमारे आलू की। देखिए, हमें इसी तरीके से काटने हैं, बिल्कुल मार्केट जैसे। ये देखिए, ऐसे ही काटने हैं बिल्कुल। अब मैंने दूसरा आलू भी काट लेती हूँ, इसे भी साइड से ऐसे काट लेंगे। मैंने सारे आलू को काट लिया है। अब हमें एक बार अच्छे से और धो लेंगे। गैस पे कढ़ाई रख के मैंने उसमें पानी रख लिया है, उसमें हम आलू उबाल लेंगे। सारे आलू डाल लें आप इस तरीके से पानी में। मैंने शिमला मिर्च और 2 बड़ी प्याज काट लिया, इस तरीके से आप भी काट लें। आलू में हल्का सा नमक डाल देंगे। जब पानी उबल जाए तो उसके 1-2 मिनट बाद हम आलू को अच्छे से उतार लेंगे, अच्छे से इसका पानी निचोड़ लेंगे। देखिए, ऐसे छन्नी से उतार ले ताकि एक्स्ट्रा पानी निकल जाए। अब मैंने इसे ऐसी छन्नी से मैंने रख दिया है ताकि पानी अच्छे से निकल जाए। अब एक बड़ा बर्तन ले लेंगे, उसमें मैंने 3 चम्मच कॉर्नफ्लावर डाल लिया है। इससे हम आलू की कोटिंग करेंगे। यह आपको मार्केट में बहुत आसानी से मिल जाएगा। अब इसमें आलू डाल लेंगे। आलू थोड़े गर्म है तो इसे अच्छे से मिला लेते हैं। आप चाहे तो आलू को थोड़ा ठंडा करके हाथ से भी अच्छे से मिला सकते हैं ताकि अच्छे से आलू में मिल जाए। इसे बहुत अच्छे से सारे आलूओं में मिला लें। अगर आपके पास कॉर्नफ्लोर नहीं है तो आप 1 चम्मच मैदा भी डाल सकती हैं। मैदा आपको थोड़ा कम ही डालना होगा। अब इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे ताकि अच्छे से लग जाए, चारों तरफ से आलू में मिल जाए। अब मैंने गैस पे कढ़ाई रख ली है तेल गरम करने के लिए। अब इसमें तेल डाल लेंगे। मैं सरसों का तेल इस्तेमाल कर रही हूँ, आपके पास जो भी हो आप जो इस्तेमाल करना चाहें कर सकती हैं। तेल को अच्छा गरम होने देंगे। उसके बाद हम इसमें एक एक करके आलू डाल लेंगे और गैस की फ्लेम को लो कर देंगे। हम आलू को अच्छे से फ्राई होने के लिए छोड़ देंगे। हमें इसमें बिल्कुल चम्मच से नहीं करना है कुछ भी। ये आलू अपने भी अच्छे से तल जाएंगे तो ये क्रिस्पी होके ऊपर आ जाएंगे। फिर आप उसके बाद ऐसे इन्हें निकाल लें ताकि एक्स्ट्रा ऑयल निकल जाए। ऐसे छन्नी से निकाल लें। ये क्रिस्पी होके अपने आप ही ऊपर आ जाएंगे, आपको इन्हें अलटने पलटने की भी ज़रूरत नहीं है। अब मैं दूसरे बार के आलू डाल लेती हूँ। मैं थोड़ा ज़्यादा बना रही हूँ, हमारे घर में सबको बहुत पसंद है, हमारे बच्चे तो बहुत चाव से खाते हैं ये। अब मैंने एक कटोरी में 3 चम्मच कॉर्नफ्लावर ले लिया है। यहाँ पे भी अगर आपके पास कॉर्नफ्लावर नहीं है तो आप मैदा ले लें, मैदा आपको 1 ही चम्मच डालना है। अब इसमें थोड़ा थोड़ा पानी करते हुए डाल के इसे अच्छे से घोल लेंगे। इसे अच्छे से मिक्स करना है। कम से कम इसमें मैंने 1/2 गिलास पानी डाल लिया है। अब हमारे दूसरे बार के आलू भी अच्छे से फ्राई हो चुके हैं। अब हम इन्हें भी निकाल लेंगे।
अब गैस पर कढ़ाई रख ली है मैंने, उसमें एक चम्मच तेल डाल लिया है। उसमें 3 हरी मिर्च डाल लेंगे, हरी मिर्चों को अच्छे से फ्राई कर लेंगे। अब इसमें हम कटे हुए प्याज डालेंगे, इन्हें भी अच्छे से चला लेंगे। अब हम इसमें शिमला मिर्च डाल लेंगे कटी हुई। शिमला मिर्च बिल्कुल ऑप्शनल है, लेकिन इसमें शिमला मिर्च डाल के बहुत टेस्टी लगते हैं। और वैसे तो बच्चे शिमला मिर्च खाते ही नहीं है, अगर आप इसमें डालेंगे तो वो इसे भी बहुत शौक से खा लेंगे। अब शिमला मिर्चों को अच्छे से पका लेंगे। आप चाहे तो 1-2 मिनट के लिए इसे ढक के छोड़ दें, अच्छे से पक जाएगी। अब शिमला मिर्च अच्छे से फ्राई हो चुकी है। अब हम इसमें 1/2 चम्मच नमक डाल लेंगे, आप नमक स्वादानुसार डाल लें। अब मैंने इसमें 1/4 चम्मच लाल मिर्च पाउडर डाल लिया है। अब हमने जो कॉर्न स्टार्च का घोल बनाया है हम उसमें ये डाल लेंगे। इसे अच्छे से चला लेंगे एक बार। गैस का फ्लेम लो ही रखें, नहीं तो ये एकदम से चिपक जाता है। अब मैंने इसमें 1 चम्मच लाल मिर्च का पेस्ट डाल लिया है। मैंने सूखी लाल मिर्चों को पानी में 1 उबाल लाने के बाद उसे मिक्सी में पीस लिया था। आप भी इसी तरीके से लाल मिर्च का पेस्ट बना लें। अब इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब हम इसमें 1 चम्मच टमाटो केचप डाल लेंगे। इससे इसका टेस्ट बहुत अच्छा आएगा, इसमें हल्का सा मीठापन भी आ जाएगा। अब हम इसमें आलू डाल लेंगे और अच्छे से मिक्स कर लेंगे। आलू में अच्छे से मिक्स कर लेंगे हम अच्छे से। सारा मसाला आलू में अच्छे से मिक्स हो गया है। गैस की फ्लेम को आपको लो ही रखना है। इसमें आप 1/2 नींबू निचोड़ दें, अगर आपके पास विनेगर हो तो 1/2 चम्मच आप वो भी डाल सकती हैं, लेकिन हम घर में बना रहे हैं तो घर की ही चीज़ें यूज़ करें तो अच्छा है। तो देखिए तैयार हो गया हमारे चिली पटेटो, बच्चों ने बहुत शौक से खाए, उनको बिल्कुल मार्केट जैसे लग रहे थे, कोई भी फ़र्क नहीं पड़ रहा था कि ये घर में बने हैं तो इनका टेस्ट अलग होगा। तो आप भी इसी तरीके से घर पर बनाएं चिली पटेटो, और देखिए बनाने में बहुत आसान है और बहुत जल्दी बन गए। तो आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आई हो तो मेरी वीडियोज़ को लाइक करना ना भूलें। मैं मिलूंगी आपको अगली एक नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।